अम्बाला में बस स्टैंड पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के छापे के बाद अब अन्य विभागों ने भी शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। आज अम्बाला छावनी बस स्टैंड पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रेड करके दुकानों से कुछ खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। बेसिकली डॉक्टर योगेश कादयन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो कल जैसे माननीय जो अपने मंत्री साहब हैं विज जी, उन्होंने यहाँ जस्ट चेकिंग की थी बस स्टैंड पे, तो कुछ अनियमितताएँ पाई गई, तो उसके हिसाब से आज हमने चेकिंग की है। कल भी कुछ दुकानों की सैम्पलिंग हुई, लेकिन कुछ दुकान ये बंद करके चले गए थे, तो आज फिर पुणे जो है इनकी चेकिंग, यहाँ चेकिंग के लिए हम आए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली जो है सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है किसी भी दुकान के लिए, वो बड़ा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो वो चेक किया गया, तो इनके पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। बाकी सैम्पलिंग का जो लगभग ये लगा लो पैकिंग का सामान है, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर किया जाए, ब्रेड पकौड़े वगैरह इस टाइप की जो कॉमनली बस स्टैंड पे चीज़ें मिलती हैं, तो सारी चीज़ें जो चेक करने में आ रही हैं सारी पैकिंग की चीज़ें हैं। तो पैकिंग के आइटम में से एक दूध का सैंपल हमने लिया है और उसको चेकिंग के लिए हम भेज रहे हैं, तो जैसे रिपोर्ट आएगी फर्दर प्रोसीडिंग, उसके बाद जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कितने दुकानों पे सैंपलिंग की गई है? सैंपलिंग अभियान अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बाकी शहर में भी कुछ सिटी में भी सैंपलिंग की गई है, बट आज यहाँ जो है शुरुआत जो है यहाँ बस स्टैंड से ही कर रहे हैं, तो बस स्टैंड की कल जैसे दुकान होगी थी और कुछ आज जो बची हुई हैं वो दुकानें आज कम्प्लीट कर